अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं रोशन तारिक और यहाँ मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में इस वक्त जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कफ़ारा सिस्टम का ख़त्म होना और नए सिस्टम का नाफिज़ होना। जी हाँ, 14 मार्च के बाद जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम जो है वो सऊदी अरब में लागू हो जाएगा और कफ़ारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी सालों से, काफ़ी अशरों से कफ़ारा सिस्टम जो था वो सऊदी अरब में वर्क कर रहा था, अब उसको एवेंचुअली ख़त्म किया जा रहा है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अब नए सिस्टम में क्या होगा, तो उसकी जो अहम चीदा चीदा बातें हैं वो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर मिलती रहें। नया सिस्टम ये होगा कि गैर मुल्की जो हैं, खारजी जो हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे अपनी कंपनीज़ के साथ और उस कॉन्ट्रैक्ट के वो बाउंड होंगे। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो है उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस कंपनी बताएगी उसको फॉलो करें। फिर उसके बाद उनको जो है खरूज उहदा, खरूज नहाई यानी री एंट्री जो विज़िट होता है, वीज़ा होता है वो, और खरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा, वो उनको खुद उसमें वो आज़ाद होंगे, कभी भी वो इस चीज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अफसर में जाके उसकी सिर्फ इतला देनी होगी अपनी कंपनी को। इसके बाद ये है कि कफ़ील बदलने के लिए आपको जो है, अगर कफ़ील बदलना है, आप उससे खुश नहीं हैं, तो आपने उसके पास एक साल काम किया हुआ होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ होगा, तो आप उस कफ़ील को बदल भी सकते हैं, इसमें भी आपको आज़ादी होगी। सऊदी अरब में जो सिस्टम बहुत पुराने अरसे से राइज था वो बहुत ही वेक था, उसमें बड़े मसाइल का सामना था, लोगों को अपनी मर्ज़ी से जो है वो खरूज उहदा, खरूज नहाई नहीं हासिल कर सकते थे, जब चाहें वो छोड़ के नहीं जा सकते थे, उनको जुर्माने सज़ाएँ होती थी। अब जो है नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में वो अपने इन फैसलों में आज़ाद होंगे, यानी उनको अपने काम के हवाले से काफ़ी आज़ादी हासिल होगी। कंपनी अपनी जिस कॉन्ट्रैक्ट पे वो एग्री करेंगे वही कॉन्ट्रैक्ट उनका होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद वो दूसरी कंपनी को, दूसरे कफील को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने मुल्क जा सकते हैं, चाहे वो परमानेंटली जाएं या फिर मुस्तकिल जाएं। तो ये थी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैंने आपसे शेयर की। तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।